स्टार्ट। महोदय, आपने और मैंने विदेश से पढ़ाई की, अच्छे संस्थान में चले गए। आपने बताया 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप यह जो बिल लेकर आए हैं, मुझे नहीं मालूम यह कितना सफल हो पाएगा। मानक तय करने के लिए आपने राज्यों को कहा है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि आसपास की स्कूल का स्वरूप क्या है। हम तो सुना करते थे, अगर आप ऐतिहासिक धार्मिक बातों को सुने, ऋषि संदीपन के यहाँ कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, उनमें से एक राजा का बेटा था और दूसरा गरीब का था। उस जगह पर सभी को बराबरी की शिक्षा मिलती थी, यह बात आपको माननी पड़ेगी कि अपना देश केवल एक समतल क्षेत्र नहीं है, इसमें पहाड़ी इलाके भी हैं, नदी नाले भी हैं, रेगिस्तान भी है और सपाट मैदान भी हैं। गांव और देहात में अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव में चले जाएं, मैं 5 लाख गांवों की बात कर रहा हूं, वहां सभी जगह जातीय आधार पर अलग अलग टोले छोटे छोटे गांव में बटे हुए हैं। कोई इस जाति का टोला है, कोई दूसरी जाति का टोला है, कोई 1.5 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे मेरा क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र देख लें, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नेपाल की तराई से लगते हैं, जो पहाड़ों से लगते हैं। अगर आप वहाँ जाइए तो एक गांव किसी बाढ़ में जल प्रवाह के कारण 2 हिस्सों में बंट जाता है। चलने में लोगों को असुविधा होती है, सड़क पार करना मुश्किल है, सड़कें टूट जाती हैं जो सालों साल नहीं बनती। ऐसे में एक बच्चे को उसके घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर पढ़ाना बहुत कठिन है। पहाड़ों के ऊपर बच्चा 2 किलोमीटर नीचे आकर पढ़ेगा या 2 किलोमीटर ऊपर जाकर पढ़ेगा, वहाँ छोटे छोटे 10-15 घर होते हैं, उसमें आप कैसे तय करेंगे, राज्य सरकार भी कैसे तय करेगी। अगर कहीं पर गांव की 2-3 किलोमीटर की दूरी पर 20 घर और बच्चे होंगे तो क्या हर जगह पर स्थानीय स्कूल बनेगा? और अगर स्थानीय स्कूल बनेगा तो राज्य सरकार उस पैसे को कैसे पूरा करेगी? यह सारी चीज़ें हैं। आपने यह तो कह दिया कि मुफ्त व निष्पक्ष शिक्षा देंगे, यह तो कह दिया कि संसाधन
बनाएंगे संसाधन के लिए जितना हम दे सकते हैं देंगे, बाकी राज्य सरकार अपनी ओर से करें, लेकिन आपने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसका दंड क्या होगा। आपने कह दिया कि राज्य सरकार, स्थानीय अफसर, अभिभावक, मुखिया, जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं गया तो उसके लिए आपने क्या दंड रखे हैं। महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अच्छे दिन की स्थिति क्या है। मैं एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा। एक बार एक जंगल में नदी के किनारे एक बाग था। उस बाग में बहुत बंदर थे। जब बाग में बंदर हो गए तो बाग का माली परेशान हो गया। जब वह परेशान हो गया तो उसने बाग को बेच दिया। बाग बिक गए और दूसरी पार्टी ने खरीद लिए। उन्होंने बाग को कटवाना शुरू करवा दिया। बंदर बेचारे बड़े परेशान हो गए। बंदर कहने लगे कि बाग कट जाएगा तो हम क्या करेंगे। बंदरों ने शाम को बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम अपना एक बाग लगा देते हैं। उन्होंने बीज लिए और नदी के किनारे बीज लगाने शुरू कर दिए। सुबह बंदर गए तो उस बीज को खोद लिया और कहा कि यहाँ तो पेड़ निकला ही नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने वह बीज बो दिया। फिर अगले दिन खोदकर देखा तो पेड़ नहीं निकला। इनकी भी वही बंदर वाली स्थिति है। सरकार को बने अभी एक साल भी नहीं हुआ और शोर मचाते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। आप थोड़ा तो संयम रखिए। इस सब में समय लगता है। वक्त की नज़ाकत को समझिए। यहाँ वित्त मंत्री जी नहीं हैं। अगर वे होते तो बहुत अच्छा लगता। 30 अक्टूबर 2008 को उन्होंने एक अनुदान पर भाषण दिया था। मैं उस दिन टीवी पर देख रहा था और मैं उस समय सदन का सदस्य था। यह चिदंबरम साहब का 21 अक्टूबर 2008 का भाषण है। उन्होंने कहा कि हमने जब आपको 1998 में अर्थव्यवस्था दी थी तो वह बहुत कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी और तुमने हमें 2004 में जो अर्थव्यवस्था दी वह बहुत बढ़िया दी है। इसलिए आप चिंता न करें। यह चिदंबरम जी का बयान है। हमने कांग्रेस के समय में इनको बढ़िया अर्थव्यवस्था दी और जो 2004 में हमने इनको बढ़िया अर्थव्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि तुमने हमको बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था दी है। अब तुम जिंदगी भर लौटकर आने वाले
नहीं हो स्टॉप।